बस्सी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सभा के दौरान भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की हुई उपेक्षा। जहां एक ओर भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और दलितों के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मंच पर भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को नज़रअंदाज करने का मामला सामने आया है। भाजपा मंच पूरी तरह दिखा हाईजैक, कई पदाधिकारियों को नहीं मिला मंच पर स्थान, जबकि आम कार्यकर्ता दिखे मंच पर। मंच संचालनकर्ता ने बार बार मंच छोड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन आम कार्यकर्ताओं ने नहीं छोड़ा भाजपा का मंच। बड़े नेताओं के नाम पर भीड़ बुलाने का भरसक प्रयास, समय से 4.25 घंटे लेट पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, लेकिन फिर भी सभास्थल पर पहुंचने से 20 मिनट पूर्व 40% कुर्सियां खाली नजर आईं। और उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अटल जी के बारे में थी, उन्होंने कहा था कि देश के भावी प्रधानमंत्री के सामने मैं बैठा। बाद में अटल जी का भाषण हुआ और अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कि राजस्थान